हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मानसून स्पेशल बहुत ही रेयर सब्जी लेकर आई हूँ, जिसको हमारी तरफ कटरुआ या देव गर्जा के नाम से जानते हैं। इसको भुई गर्जा भी कहते हैं। ये अपने आप पैदा होने वाली सब्जी है, जो कि ज़मीन के अंदर होती है और कुछ विशेष इलाकों में पाई जाती है। चूँकि रेयर सब्जी है, कम मात्रा में पाई जाती है, तो इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। ये 2000 रुपये किलो से स्टार्टिंग होती है और करीब 1200-1400 रुपये इलाकों के हिसाब से ये बिकते हैं। जहाँ पर ये ज़मीन के अंदर होते हैं फ्रेंड्स, ये ज़मीन अपने आप ही क्रैक हो जाती है और उसके अंदर से ये निकलते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। चूँकि ये मिट्टी के अंदर होते हैं तो बहुत ही मिट्टी होती है इसमें, तो इसको साफ़ करना एक अच्छा खासा टास्क होता है। 8-10 पानी से इसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर अच्छे से साफ़ नहीं होगा, मिट्टी रह जाएगी, तो सब्ज़ी जो है वो अच्छी नहीं लगती खाने में, गंदगी रहती है उसमें। तो हमने करीब 10-12 बार इसको धोया है हाथों से रगड़ रगड़ के। फिर इसको आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी निकली है। फिर इसको आधे घंटे के लिए खौलते हुए पानी में भिगो देना है, जिससे कि ऊपर जो भी मिट्टी रहे वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है, इस बात का खास ख्याल रखिए। अब हमने इसको गर्म पानी में भिगो दिया है और यहाँ पर इसको हाथों की सहायता से रगड़ रगड़ कर इसको साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद 2-3 पानी से, ठंडे पानी से, हम और साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मात्रा में 250 ग्राम है और इस सब्जी के लिए मसाला थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो हमने 4 मीडियम आकार के प्याज ले लिए हैं और इनको रफली चॉप्ड कर लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 12 से 15 कली लहसुन लिया है। आप नॉर्मली जो सब्जी बनाते हैं, जिसमें जितना मसाला यूज़ करते हैं, उससे जस्ट डबल मसाला इसमें यूज़ होता है फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखिए। और करीब हमने, देख रहे हैं आप, लहसुन की मात्रा भी अच्छी रखी है। इसके साथ ही हमने 4 हरी मिर्च डाली हैं और इनका एक हमको पेस्ट तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और लोहे की पैन में ये सब्जी को हमने भूनना है। हमने यहाँ पर 2 तेज़पत्ते, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, इसके साथ ही हमने 4 से 5 लौंग और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाला है। गरम मसाले आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने 4 चम्मच हल्दी डाली है। हल्दी की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर पिसा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। स्लो मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इसमें मसाला अच्छा रखते हैं। और इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकते हुए छोड़ दीजिए। और तब तक हम क्या करते हैं, अपने जो हमने कटरुए भिगोए थे उनको महीन महीन काट कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 तरीके के इसमें हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ कड़े भी होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ थोड़े टाइट होते हैं, तो जैसे ये ब्लैक वाला, ये थोड़ा सा टाइट है, तो मिक्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको महीन महीन काट लीजिए। कुछ अंदर से इस तरीके के होते हैं। और बस जब मसाला भुन जाए तो सारे कटरुए इसमें डाल दीजिए और इसको 15 से 20 मिनट तक बहुत अच्छे से आपको भूनना है। नमक भी इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ा सा पानी का टच लिए होती है। तो वैसे तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बार ऐड किया, फिर भी कम ही लग रहा है, तो अब मैं और ऐड नहीं करूँगी, वरना कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जिसको कम लगेगा तो वो ऊपर से डाल लेगा। और इसको, सब्जी को बहुत अच्छी तरीके से भूनिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कुछ विशेष इलाकों में ही मिलती है फ्रेंड, रहती है, लोग बाहर से मंगाते हैं कि उस शहर में कोई जा रहा हो तो वहाँ से हमारे लिए ये सब्ज़ी लेते आइएगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हम लोग खास इस बारिश के सीज़न का वेट करते हैं इस सब्ज़ी के लिए। अगर आपके इलाके में ये पाई जाती है तो ज़रूर से बना के ट्राई करिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देख रहे हैं, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है, बिल्कुल ऑयल रिलीज़ हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया, मसाले वगैरह भी आपने इसमें अच्छे डालने हैं और थोड़ा ऑयल भी ठीक से ही डालना है। बहुत ज़्यादा कम मसाले या बहुत कम ऑयल में ये सब्ज़ी मत बनाइएगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसको अच्छा मसाला ही चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं, हमने सब्जी को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसको हमको एक प्रेशर कुकर में डाल के ग्रेवी लगानी है। और इसको, मेरे ये जो कटरुए हैं बहुत सॉफ्ट हैं, तो मैं तो 3 से 4 विसिल ही लगाऊंगी। अगर आपके थोड़े से टाइट हैं या बड़े हैं तो आप 8 से 10 विसिल भी लगा सकते हैं, ये अच्छे से पक जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑयल रिलीज़ हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सब्जी हमारी भुन चुकी है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो
बस अब हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है, ग्रेवी लगानी है। ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा ही लगाइएगा क्योंकि राइस के संग में ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर मैंने 3 से 4 विसल आने तक पकाया है और ये प्रॉपरली पक गया है। यदि आपके थोड़े से हार्ड या बड़े वाले गटर हुए हैं तो आप इनको 8 से 10 सीटी लगा कर अच्छे से कुक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, हम लोग इन्जॉय करने जा रहे हैं। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए, विसल भी आ गई है, तो मैंने तो आज इसे रोटी और चावल के साथ में सर्व किया है। आप जैसे चाहें वैसे इसको इन्जॉय कर सकते हैं। देखने में कुछ इस तरीके की लगती है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। वाकई में आप खाएंगे एक बार तो आपको मज़ा आ जाएगा, तो ज़रूर से ट्राई करिए इस रेनी सीज़न ये सब्ज़ी। और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।